जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा जनरली जब भी भारत यहां पर किसी भी तरह की मिसाइल को परीक्षण करता है तब अक्सर ही चाइना की तरफ से कई सारे जासूसी जहाज भारतीय क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर चाइना का जो मेन मोटिव रहता है वो यहां पर जासूसी जहाजों के जरिए भारत की जासूसी कराना होता है। ऐसे में दोस्तों चाइना चाहता है कि भारत किसी भी तरह की नई मिसाइल का यहां पर परीक्षण ना करे, क्योंकि दोस्तों आपको बताया कि अग्नि 6 जैसी मिसाइल पूरी दुनिया को अपनी कवरेज में ले सकती है और इसी वजह से चाइना यहां पर सबसे ज्यादा परेशान रहता है। और अब दोस्तों आपको पता है कि भारत ने एक नई मिसाइल को यहां पर परीक्षण करने की बात कही है और इसी को लेकर अब बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर चीन पूरी तरह से बिलबला उठा है और चीन ने अब अपने जासूसी जहाजों को उस क्षेत्र में भेज दिया है जहां पर भारत अपनी मिसाइल को यहां पर टेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों को यहाँ पर टेस्ट करने जा रहा है, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना को ध्यान में रखते हुए ही इन मिसाइलों को बनाया गया है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर उन मिसाइलों का थोड़ा सा डाटा भी चाइना के साथ लीक हो जाता है तो वो हमारे लिए एक सिरदर्द वाली बात हो जाएगी। वैसे दोस्तों अगर चाइना कितनी भी जासूसी यहाँ पर कर ले, उसके पास रिवर्स इंजीनियरिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ऐसे में चाइना को हमारी मिसाइलों की कुछ जानकारी अगर मिल भी जाती है तो भी चाइना यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि भारत की मिसाइलों को जो टेस्ट किया जा रहा है उनकी कितनी रेंज है और उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसका थोड़ा सा अंदाजा तो फिर भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर भारत MIRV टेक्नोलॉजी कुछ यूज कर रहा है, इसका डाटा भी चाइना के पास लीक हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जासूसी करने से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा ही, और ऐसे में थोड़ा सा नुकसान भारत का यहाँ पर जरूर हो सकता है। और इसी वजह से दोस्तों पिछली बार जब भारत यहाँ पर अपनी टेस्टिंग करने वाला था तब भारत ने यहाँ पर अपनी मिसाइल की टेस्टिंग को रोक दिया था, क्योंकि जासूसी जहाज चाइना के यहाँ पर हमारे समुद्र में आ पहुंचे थे। और दोस्तों जब ये चाइनीज से वापस लौट गए तब हम अपनी अग्नि 6 मिसाइल को यहाँ पर फिर से टेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है कि पिछली बार यहाँ पर जासूसी करने के लिए चाइना ने एक नहीं बल्कि 2 शिप को भेजा था, और चाइना अक्सर चाहता है कि भारत किसी भी तरह की कोई मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट ना करे। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना ने जो जासूसी जहाज यहाँ पर भेजे थे वो अपनी इकोनॉमिक जोन में थे और उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक लंबी डिस्टेंस तक जासूसी कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत खतरे में सकता है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमिक जोन में थे तो ऐसे में भारत इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। और अब दोस्तों यहाँ पर भारत एक सबसे बड़ी मिसाइल का यहाँ पर टेस्ट करने वाला है, और बताया ये जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 5,500 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज है, जिसकी वजह से ये भारत की मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकती है। ऐसे में दोस्तों हम MIRV टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि हम एक साथ चाइना के 10 से ज्यादा शहरों पर निशाना मार सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की तरफ से जो नोटम वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है वो करीब 5400 किलोमीटर की है। तो दोस्तों एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा परीक्षण यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि 5400 किलोमीटर की रेंज काफी ज्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत चाहे K5 का टेस्ट करे या फिर अग्नि 6 का यहाँ पर टेस्ट करे, लेकिन चाइना को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही घातक मिसाइल होने वाली है और चाइना इसी बात से परेशान है। असल में भारत यहाँ पर मिसाइल का टेस्ट करेगा वो 14 से 15 तारीख में करेगा, और इसी को लेकर चाइना बहुत ही ज्यादा परेशान है और चाइना की तरफ से कुछ अपने जासूसी जहाजों को अपनी ही इकोनॉमिक जोन में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही चाइना यहाँ पर चाहता है कि भारत जैसी भी मिसाइलों को यहाँ पर टेस्ट करना चाहता है उसका कुछ न कुछ डाटा यहाँ पर लीक करके चुरा लिया जाए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर UN के अंदर भारत फिर से एक बार सदस्य बन चुका है, तो ऐसे में चाइना यहाँ पर UN में जाकर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसीलिए आज चाइना और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि UN के अंदर जाने से भी चाइना का काम नहीं बनेगा। और चाइना आखिरकार भारत को यहां पर मिसाइल को टेस्ट करने से नहीं रोक पाएगा। ऐसे में दोस्तों अब देखना यह है कि 14 से 15 तारीख के बीच में क्या होता है और हमारी मिसाइल कितना सक्सेसफुल होती है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।